मैं कहूं तो ये नैसर्गिक स्वाभाविक गठबंधन है मजलूम और उत्पीड़ित आवाम का। इसकी नींव 2014 के मई के महीने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने रखी थी। आज उस नींव पे देश के अलग अलग हिस्सों में इमारत बनाने की कोशिश हो रही है। आज अगर हमारे बीच में वो होते, हमारे समक्ष होते, तो और भी ऊर्जा का संचार होता। ये गठबंधन संविधान को सुरक्षित रखने, उसके पन्ने बचाने, संवैधानिक संस्थाओं को खात्मे से रोकने और दलित बहुजन समाज के आरक्षण को साजिश का शिकार न होने दिया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि ऐसा कुछ होता रहा और संसद सन्नाटे में तब्दील हो गई। इस गठबंधन के साथ 3/4 आबादी के संकल्प और सपने जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब तक गैर बराबरी की जो चीजें, जो मंजिलें हमने गैर बराबरी खत्म करने को नहीं की हैं, वो सब हासिल करेंगे आबादी के अनुसार सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी तय करते हुए। आप जब हमारे गठबंधन की पूरी लिस्ट क्रमशः आने वाले दिनों में देखेंगे, आपको यकीन के साथ कहता हूं कि वंचित समाज का प्रतिनिधित्व, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व जिनके प्रतिनिधित्व अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था। राजद के साथ साथ हम सब भली भांति वाकिफ हैं कि ये महज सिर्फ एक और चुनाव नहीं है। इस चुनाव की महत्ता इस बात से है कि आज अगर हम सब इकट्ठा ना होते, जो तमाम हम दल हैं, ये दल सिर्फ उस वजह से नहीं है कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के आखिरी इंसान के लिए लड़ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, लोजद हो, हम हो, वीआईपी हो, रालोसपा हो, हम सब ने अपनी अपनी सीटों को कम करने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि बिहार की न्यायप्रिय जनता इस पर मुहर लगाएगी। इस महागठबंधन में नहीं, सीपीआई एमएल को भी, सीपीआई एमएल लिबरेशन, पहली बार हमने अपने कोटे से उनको एक सीट दी है। और शरद जी ने भी साफ किया है कि वो और उनके साथी हमारे सिंबल पे, राजद पे लड़ेंगे और चुनाव के पश्चात वो हमारे में विलय कर बैठेंगे। ये तमाम मोटी मोटी चीज है। और ये कि महागठबंधन से राज्यसभा की जो पहली सीट आएगी वो सीट बिहार कांग्रेस के किसी नेता को जाएगी। ये चंद घोषणाएं मुझे करनी थी, माफी के साथ फिर विलंब के लिए। मेरे प्रदेश अध्यक्ष, आपको जो मूल जानकारी थी, देखिए मैं दोहरा रहा हूं, सीट दलगत स्थिति सीटवार इस प्रकार है, राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9। इस आशय के साथ भी कि राज्यसभा की पहली सीट बिहार कांग्रेस की किसी नेता को जाएगी। रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और माले को एक सीट राजद कोटे से। गया हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा प्रथम चरण का मैं दोहरा रहा हूं, श्री जीतन राम मांझी जी। नवादा राष्ट्रीय जनता दल श्रीमती विभा देवी। जमुई रालोसपा श्री भूदेव चौधरी। औरंगाबाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा श्री उपेंद्र प्रसाद। विधानसभा के उपचुनाव में दलगत स्थिति, नवादा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा धीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना। डेहरी राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद फिरोज हुसैन। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत धन्यवाद।
Thank you.